सो गाइस, काफी बार आप लोग मुझसे ये कमेंट पूछते हो कि कौन से सर स्टूडियो मॉनिटर्स बेस्ट हैं 10,000 के रेंज में, या फिर सबसे सस्ते स्टूडियो मॉनिटर्स कौन से हैं। एंड मैंने अपने लाइव में बोला भी था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जैसे ही मेरे पास ये स्टूडियो मॉनिटर्स आ जाते हैं। सो फाइनली ये मेरे पास आ गए हैं, लॉकडाउन खुल गया है एंड ये मैं जाके अपने फ्रेंड से बोरो मैंने किया है एंड आप लोगों के लिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ। सो वेलकम टू माई चैनल गाइज, इंसोमनियक स्टूडियोज। मेरा नाम है जतिन और आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा, या फिर आप टाइटल देख के भी समझ गए होंगे कि कौन से चीपेस्ट स्टूडियो मॉनिटर्स हैं आज की डेट में। तो सबसे पहले तो इनका मैं नाम बताता हूं, ये मैकी की तरफ से आते हैं और इनका जो मॉडल नंबर है वो है CR4। एंड पर्टिकुलरली ये वाले जो है सो इसमें ब्लूटूथ भी है एंड 4 का मतलब हुआ ये जो इसमें स्पीकर है यहाँ पे ड्राइवर है वो है 4 इंच का। अब मैं आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा दिखाता हूं, यहाँ पे मैकी की तरफ से 4 मॉडल्स हैं टोटल। सबसे पहला 3 इंच का और इसकी प्राइस है 10,299। एंड इसमें क्या है, आपको जो ड्राइवर मिलता है, जो स्पीकर है मेनली इसका, वो है 3 इंच का। देन उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं 4 इंच पे, सो 4 इंच वाला मॉडल है आपका 12,314 रुपीज़ का। एंड यहाँ पे ये वाले जो मेरे पास स्टूडियो मॉनिटर्स हैं ये वाले नहीं हैं, इसमें ब्लूटूथ भी है। सो नेक्स्ट वाला जो देखते हैं 4 इंच BT, सो यहाँ पे ये वो मॉडल है 4 इंच BT वाला, पूरा अगर मैं इसका नाम बोलूँ तो CR4 BT। सो इसमें ब्लूटूथ भी है एंड अपने आप फोन से पेयर करके भी इसको यूज कर सकते हो। एंड इसकी जो प्राइस है वो है 15,797। देन नेक्स्ट अगर की बात करें सो है हमारे पास 5 इंच का स्टूडियो मॉनिटर जिसकी प्राइस है 18,497। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जितने भी ये प्राइजेस हैं ये सब पेयर के हैं। आप ये मत सोचना कि आपको सिंगल स्टूडियो मॉनिटर मिलेगा, ये सारी की सारी प्राइजेस जो हैं वो पेयर की हैं। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो स्पीकर्स जब मेरे फ्रेंड ने लिए थे सो उस टाइम पे ये अराउंड 12,000 के थे एंड आज के टाइम में ये 15,000 समथिंग है। सब चीजों पे रेट बढ़ गए हैं, सो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो आपका 10,000 वाला बजट है ना उसको आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लो। लेकिन अगर तब भी आप नहीं बढ़ा सकते हो बजट ऊपर, सो उस केस में आप 3 इंच वालों की तरफ जा सकते हो, आई मीन 3 इंच के जो स्टूडियो मॉनिटर्स हैं CR3 उनकी तरफ जा सकते हो। प्राइस पॉइंट, जिस प्राइस पॉइंट पे ये है काफ़ी सूट करते हैं, अच्छे स्टूडियो मॉनिटर्स हैं, मैं रेकमेंड कर सकता हूं आपको, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। एक चीज़ मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, जितना छोटा हमारा स्पीकर होगा, जो इसका ड्राइवर का साइज होगा फॉर एग्जांपल 3 इंच, सो वो उतना ही कम जो बेस रिस्पॉन्स है उसको वो आउटपुट निकालेगा उसका। अब जितना वो ऊपर बढ़ता रहेगा वो उतना बेस रिस्पॉन्स उसका अच्छा होता रहेगा। अगर मैं 5 इंच वाले जो मॉनिटर है मेरे, अगर मैं उसकी बात करूँ सो वो भी उतना अच्छा लो एंड नहीं निकालते हैं एज कम्पेयर टू 7 इंच या फिर 8 इंच। अगर आप 7 इंच लेते हो तो 7 इंच तो बेस्ट रहता है क्योंकि रूम को भी आपके सही एक तरीके से मिल जाता है ट्रीटमेंट। एंड उसके बाद 8 इंच वाला कई बार जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, रूम अगर आपका थोड़ा छोटा है सो 8 इंच वाले में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो एक चीज का हमेशा याद रखना कि स्टूडियो मॉनिटर आप जितना छोटा लोगे उतना ही उसमें बेस रिस्पॉन्स उसका कम होगा एंड जितना ज्यादा बड़ा साइज का लोगे उतना ज्यादा उसमें बेस रिस्पॉन्स अच्छा होगा। अब जैसे जैसे स्पीकर का साइज बढ़ेगा उसी हिसाब से उसके पैसे बढ़ेंगे एंड उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या बजट है। ये दोनों ही मॉनिटर्स अच्छे हैं, KR के ले लो आप, यामाहा ले लो एंड मैकी के ले लो अगर लो बजट की बात करें। सो मेरी रिकमेंडेशन है अगर आपका बजट वही 10-15 हज़ार है सो आप इनकी तरफ जा सकते हो क्योंकि उसका जो बजट है वो हो जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा, वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 28 तक पड़ेगा। अब शायद प्राइस ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिलहाल इन वाले स्टूडियो मॉनिटर्स की बात करें तो सारे जो लिंक्स हैं परचेज लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड थोड़ा सा अब इसका साउंड टेस्ट भी आपको मैं सुना देता हूँ।
सो गाइस आई होप आपके जो कमेंट्स थे आज उनका आंसर आपको मिल गया होगा, आपके जो क्वेश्चंस थे। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड ये वीडियो शेयर भी कर देना सो दैट आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी नॉलेज मिल जाए या उनकी भी हेल्प हो जाए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।